नमस्कार, एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल इंस्पेक्टर किशन के पे। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको डिस्कस करना है आज, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए आप लोग, जल्दी 1000 होने वाले हैं, उसको जल्दी 1000 पहुँचा दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चेन्नई जोन में जो भी सेलेक्ट होने वाले एक्साइज इंस्पेक्टर्स हैं, उनका डीवी क्या होगा, डीवी में क्या करना होगा, प्रेफरेंस जो प्लेस प्रेफरेंस है वो कैसे भरना है, सब कुछ बताएंगे। स्टार्ट करते हैं डीवी और मेडिकल की। जहाँ तक बात है वहाँ तक तो वीडियो आप लोग देख ही रहे हैं, और वीडियो मैंने जो डाली है आप उसको देख सकते हैं, एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी वीडियो, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसको देखिए, उसमें सारा डीवी और मेडिकल का प्रोसेस मैंने आपको बता रखा है। रही बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको नौकरी करनी कहाँ पे है, जब आप डीवी के लिए जाएंगे तो डीवी में आपको एक प्रेफरेंस फॉर्म दिया जाएगा, उस प्रेफरेंस फॉर्म में आपको 6 कॉलम भरने हैं, 6 कॉलम में 6 जगहों का नाम भरना होगा। वो आपको डीवी के बाद जब फाइनल पोस्टिंग आपकी आएगी तो आपको कमिश्नरेट मिलेगा कि आपको किस कमिश्नरेट में नौकरी करनी है। अब उसको भरना कैसे है, सबसे पहले जान लेते हैं कि वो 6 प्रेफरेंस क्या क्या है। 6 प्रेफरेंस में होंगे आपके चेन्नई, मदुरई, पुडुचेरी, कोयम्बटूर, त्रिची, सलेम, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि मैं मदुरई जोन में सेलेक्ट हुआ था, मदुरई जो कमिश्नरेट मुझे मिला था, ठीक है। अब आपको बताता हूँ कि आपको भरना क्या है। सबसे पहले आपको अपना रैंक देखना है, अगर आप स्टार्टिंग रैंक में लाई कर रहे हैं, जैसे कि आपको जब ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो उसमें आपके सीरियल नंबर वाइज आपके नाम लिखे होंगे, ठीक है। सीजल का रैंक तो लिखा ही होगा लेकिन सीरियल नंबर वाइज भी रैंक लिखा होगा, जो कि आपको जोनल रैंक होगा एक तरीके से, ठीक है। तो आपको वो देखना है, अगर आप स्टार्टिंग के रैंक में अगर 25, 50, 60 तक अगर आप लाई कर रहे हैं तब तो ठीक है, तब तो आप पहला प्रेफरेंस चेन्नई डाल देंगे और आपको चेन्नई मिल जाएगा। बट मैं ये नहीं कहूंगा, मैंने जो भी 6 नाम आपको बताए हैं आप अच्छे से रिसर्च करिए उनको इंटरनेट पर जाके, और देखिए कि आपको कौन सा शहर ज़्यादा सूट करेगा, ठीक है, उस हिसाब से डालिएगा। मैं आपको एक बहुत बड़ा टॉप सीक्रेट बताने वाला हूँ, जो भी शहर चाहिए होगा उसी को फर्स्ट प्रेफरेंस डालना। ऐसा नहीं कि सब चेन्नई डाल रहे हैं तो सब मैं भी चेन्नई डाल दिया, सब पुडुचेरी डाल रहे हैं तो मैं भी पुडुचेरी डाल दिया, नहीं। अपना रिसर्च करना खुद से, 6 शहरों में से कौन सा तुम्हें ज़्यादा सूट करेगा उसको देखना, जो भी प्रेफरेंस चाहिए। अगर तुमको पुडुचेरी चाहिए तो सबसे पहले पुडुचेरी भरना, उसके बाद ही कुछ भरना, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें चेन्नई चाहिए और तुम स्टार्टिंग रैंक में लाई कर रहे हो तब तो तुमको चेन्नई मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम स्टार्टिंग रैंक में लाई नहीं कर रहे हो तो चेन्नई नहीं मिलेगा भाई, ये बिटर ट्रूथ है। उस हिसाब से अपना रिसर्च कर लेना कि कौन से शहर में जाना है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात छूट गई थी इसलिए बीच में ऐड कर रहा हूँ, भाई तुमको यहाँ हर ऑफिस में कोई ना कोई नॉर्थ का मिलेगा, सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, कोई ना कोई तुमको नॉर्थ का मिलेगा, तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने भाई लोग, भाई बंधु सब यहाँ पे हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो हर जोन के अपने सब कमिश्नरेट और रेंजेज होते हैं, ठीक है, तो तुम अपना देख लो कि कहाँ तुमको ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे मुझे अभी यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अभी मदुरई कमिश्नरेट के तिरुनल वैली सब कमिश्नरेट में काम कर रहा हूँ, ठीक है। एक दिन टूर करूंगा आपको ऑफिस का और क्वार्टर्स का, सारा टूर दिखाऊंगा ऑफिस के चारों तरफ, कैसा माहौल है यहाँ का, शहर का माहौल दिखाऊंगा, बहुत मजा आता है, एक नंबर है, ठीक है। तो तुम अपने हिसाब से देख लो कि तुमको क्या पसंद है। जैसे मुझे शांति पसंद है, यहाँ पे भरपूर शांति है, कोई टेंशन नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बच्चे पूछ रहे हैं कि वर्कलोड क्या है। भाई ऑफिस में आने के बाद तुमको कौन सा पार्ट मिलता है ऑफिस का, किस डिवीजन में जाते हो, किस सेक्शन में जाते हो, उन सब बातों पे वर्कलोड डिपेंड करता है कि तुमको वो वहाँ पे वो सेक्शन में वर्कलोड है कि नहीं है, ठीक है। अभी जहाँ मैं हूँ वहाँ बहुत वर्कलोड है तो मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं कभी कभी 9 बजे आता हूँ और शाम को 8 बजे 9 बजे घर पहुँचता हूँ, ठीक है। कुछ कुछ हैं जो 10:30 बजे जाते हैं और शाम को 6:30-5:30 बजे घर चले जाते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हें सेक्शन कौन सा मिलता है, ठीक है। तो ये सब सोच समझ के अपना सबसे पहले प्रेफरेंस डाल देना कि तुमको किस शहर में जाना है, जो शहर तुमको चाहिए होगा सबसे पहला प्रेफरेंस वही डालना, ठीक है। अब बच्चे पूछ रहे थे कि एक्सपीरियंस कैसा साउथ में। भाई मेरा एक्सपीरियंस अभी तक सबसे अच्छा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। तुम चेन्नई मदुरई जैसे शहरों में रहोगे तो वहाँ लोग हिंदी भी जानते हैं, कोऑपरेट भी करते हैं, थोड़ा सा आउट एरिया में जाओगे तो थोड़ा सा तमिल वो हो जाता है, तमिल डोमिनेट कर जाता है, लेकिन तुम धीरे धीरे तमिल भी सीख जाओगे अगर सीखना चाहोगे तो। और यहाँ लोग समझते हैं बात को, हेल्प करते हैं, समझते हैं, इंग्लिश सब समझते हैं, कोई कोई बोलता है कोई कोई नहीं बोलता है, इंग्लिश समझते सब हैं, कोई टेंशन नहीं होगा कम्युनिकेशन में, सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लोगे। और अब मैं क्या ही बोलूँ, मैं अच्छा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तुम लोग को अपना शहर ये पूरा दिखाऊंगा मैं कैसा है। सबसे मेन बात मैंने आपको बता दी प्रेफरेंस वाली, तो प्रेफरेंस को बहुत ध्यान से भरिएगा, ठीक है। और कुछ तो नहीं छूट रहा है मेरे ख्याल से, एक्सपीरियंस बता दिया आपको, प्रेफरेंस फॉर्म बता दिया, ठीक है। 6 शहरों को रिसर्च कर लेना, उसके हिसाब से देख लेना कि तुमको कैसा लगता है, ठीक है। 6 शहर देख लेना, XYZ 3 सिटीज आती हैं उसमें,
तो डिपेंड नहीं करता, आराम होना चाहिए जीवन में, ठीक है, सुकून होना चाहिए। और भाई बहुत सुंदर है जहाँ मैं हूँ, यहाँ से 50 किलोमीटर कन्याकुमारी है, 50 किलोमीटर तेनकासी है, कोडाईकनाल, मुन्नार, सब अच्छी अच्छी जगह हैं घूमने के लिए। फिर आराम से सेटल हो जाओ आके, कोई टेंशन नहीं है। अगर होम सिकनेस है तो दिक्कत है भाई, होम सिकनेस नहीं है तो इन्जॉय करोगे लाइफ को, ठीक है। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक करना, कोई भी डाउट होगा तुरंत कमेंट करना, मैं रिप्लाई करता हूँ हर कमेंट का। तो चलता हूँ, जय हिंद।